इसीलिए शनि को आयुष्य का कारक कहा है, क्योंकि शनि के जिम्मेदारी में मृत्यु देना मतलब किसी की आयु को खत्म करना, आयु को निर्धारित करना। आपको अगर शनि ने 100 साल की आयु दे दी तो 100 साल के बाद आपको मृत्यु भी शनि ही देगा। इसे आयुष्य का कारक हो गया शनि, तो वैसे मरण का कारक भी हो गया शनि, ठीक है। उसके बाद है दुख, दुख का कारक कर्म पद्धति है, कर्म सिद्धांत है, तो सुख भी वो देगा, दुख भी वही देगा। उसके बाद है बुद्धि। देखो बुद्धि शनि के हाथ में है। अब कौन सी बुद्धि, तो किस प्रकार से अध्यात्म का हाथ पकड़ के इस संसार की माया जाल से मुक्त होना, किस प्रकार से किसी भी क्षण दुख से उन्मुक्त होना, किस प्रकार से संभाव में आना, स्थित प्रज्ञ बनना, शांत बनना, वैरागी बनना, वैराग्य में क्या क्या करना, ये सारा अगर आप गणित देखने जाओ मोक्ष के गणित का, मोक्ष जाना, मुक्त होना, वैरागी बनना, ये सारा पाठ सिर्फ शनि बताए, और किसी के ग्रह के हाथ में ये ताकत नहीं, ठीक है। तो ये पूरा समझाना समझना, इसको भी बुद्धि का एक प्रकार, मैंने आपको पहले भी बोला था, फिर से याद दिलाती हूँ, बुद्धि में सभी ग्रहों की अपनी अपनी बुद्धि है। आज फिर से याद दिला देती हूँ, बहुत सारे लोग पहली बार आए हैं सुन रहे, सुनो, सूर्य के पास आत्मा की बुद्धि है। आत्मा कैसे मुक्त हो सकता है, आत्मा क्या है, आत्मा की चैतन्य शक्ति क्या है, वो क्या क्या संस्कार लेकर आया है पूर्व से, और आगे में क्या क्या संस्कार लेकर जाएगा, वो जन्म मरण से आत्मा कैसे मुक्त हो सकता है, वो सारी आत्मा की जो फिलोसॉफी है वो सूर्य की बुद्धि। चंद्र के पास क्या है, तो चंद्र का मन से संबंधित, अब जो जो संज्ञाएं आत्मा के ऊपर लगी हुई है, जो चैतन्य शक्ति है वो कैसे बढ़ रही है कैसे घट रही है, आपकी इच्छाओं के ऊपर आधी, और इच्छा का पूरा बुद्धि का नॉलेज है चंद्र के पास। उसके बाद है मंगल। मंगल के पास साहस पराक्रम, साहस की बुद्धि पराक्रम। आपको पता है मोक्ष जाने के लिए भी साहस करना पड़ता, तो सारे हमारे हिम्मत पराक्रम वाले कार्यों की बुद्धि, और ये प्रकार की बुद्धि कि भई वैराग्य लेना तो उसमें भी किस प्रकार से आपको साहस चाहिए। उसके बाद आ रहा है बुध। बुध के पास मेघा बुद्धि, स्पेशली तार्किक लॉजिकली बुद्धि, ये भी एक लॉजिक है, तत्वों को जानना, तत्वों को समझना, षड द्रव्यों को समझना, पूरे जगत को समझना, और जगत को संभालने वाले सभी ग्रहों को समझना, और उन ग्रहों को जान के यहां से मुक्त होके ऊर्ध्वगमन करना या मोक्ष में, ये बुद्धि है बुध के पास। अब आओ गुरु। गुरु पंडित, पंडिताई का ज्ञान, समझदारी का ज्ञान, व्यवहार कैसा, संयम कैसा, जो जो आत्मा की चैतन्य शक्ति है उसको कैसे कम करना, उसको कम करने से आत्मा के गुण बढ़ते हैं। देखो गुण की बात बहुत जरूरी, सत्व गुण आत्मा का है, उसको उजागर आप कैसे करो, तो उसके लिए गुरु की बुद्धि या गुरु का ज्ञान काम है। उसके बाद है शुक्र। शुक्र के पास भोग का पूरा साम्राज्य, किस प्रकार से भोग भोगना चाहिए, किस प्रकार से बच्चों का जन्म होता है, किस प्रकार से आप ग्रहों को समझ के उनसे पुण्य या पाप या पैसा कैसे ज्यादा कमा सकते हो, आपके 72 प्रकार की कला, 64 प्रकार की स्त्रियों की कला, ये सारी कला में माहिर और उनकी बुद्धि है शुक्र के पास। शनि के पास जो बुद्धि है वो है अध्यात्म की बुद्धि, किस प्रकार से आत्मा शरीर उनका संबंध, उनसे मुक्त होना, उनसे किस प्रकार से मोक्ष को प्राप्ति करना, माया और संसार से कैसे छूटना और अध्यात्म की तरफ कैसे गति करना, ये बुद्धि है शनि। तो ये सातों प्रकार की बुद्धि, सातों प्रकार के ग्रहों के नीचे आपकी बुद्धि आ जाएगी। जो ग्रह जैसा बलवान, जैसे आप बुद्धि को यूज करना चाहो, आप 20 प्रकार की बुद्धि का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। तो अध्यात्म की बुद्धि है शनि के पास, आलस तो उसके पास है ही, स्थिरता मानोगे उसको, आलस का कहीं ना कहीं बहुत अच्छा उपयोग होता है, जब स्टेबल रहना है, स्थिर रहे, तब यही आलस आपको बहुत काम आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद है कर्म न्याय। धूप छाव, दुख छाव का अर्थ हुआ आज सुख है तो कल दुख है, वापस दुख के बाद सुख आएगा, है ना, जैसे धूप आई उसके बाद छाव आएगी,
रात हो जाएगी, वापस दूसरा दिन उगेगा और धूप आए, ये पैरेलल कंटिन्यू चलता ही रहता है। उसके बाद आओगे वृद्धावस्था, शनि वृद्ध है ही, खुद वृद्ध, आपको शनि का जातक कभी भी एवरग्रीन या यंग नहीं दिखेगा। हाँ, अगर साथ में बुध बलवान है तो ही दिखेगा, नहीं तो नहीं। उसके बाद है दासत्व, नौकर और नौकरी वो शनि का कारक है, दास और दासत्व, दास बनना पसंद करोगे ही करोगे। देखो कृष्ण की हम बात करेंगे, वो सारथी बने थे, सारथी बनना मतलब वो एक युग पुरुष थे, और सारथी भी किसके बने, अर्जुन के बने युद्ध में, उनको सारथी बनने की जरूरत नहीं थी, वो सारथी किसी और को रख सकते थे और खुद अर्जुन के साथ रथ में पीछे बैठ सकते थे, लेकिन शनि प्रधान जातक को दास और दासत्व ज्यादा अच्छा लगता है। अगर आप शनि प्रधान हो तो आपको हनुमान जी जैसे सेवक मिले, हनुमान जी के भी खुद का शनि बहुत बलवान था, तो इन सबसे आप समझ पाओगे। विदुर जी वो भी दास थे, उन्होंने कभी भी पांडवों का धृतराष्ट्र की जगह, वो उनके चाचा थे, वो गादी पे बैठ सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं कि उनको राजगादी चाहिए, उनको सेवक बन के, वो उनकी झोपड़ी अलग थी, वो महल में भी नहीं रहते थे। और जब भी कृष्णा यहाँ आते थे, कौरवों के यहाँ मेहमान बनते थे, तब वो कभी भी महल में नहीं रुके, वो हमेशा विदुर की झोपड़ी में रुके, और विदुर का जो खिचड़ी और जो खाना था वो ही कृष्ण ने हमेशा खाया, वो कभी महल में नहीं रुके, वो कभी कौरवों के या धृतराष्ट्र के साथ कभी नहीं रुके। तो ये सारी चीज शनि प्रधान व्यक्तित्व के लिए हमें समझनी चाहिए कि शनि प्रधान व्यक्ति को ये महल या ये बड़ी बड़ी गाड़ियां या उनमें घूमना बिल्कुल पसंद ही नहीं है, वो चाहते ही है ऐसे कि वो सिंपल और सोबर बन के ही अपनी जिंदगी को जिए। ठीक है, आगे चलेंगे। उसके बाद आता है मेहनत, परिश्रम, मेहनती, उनको वो बहुत मेहनती होते हैं, उनको मेहनत करना बहुत अच्छा लगता है, तन तोड़ मेहनत करेंगे शनि का जातक, थकेगा भी नहीं कभी, शरीर की वो कभी भी परवाह नहीं करता, तमा नहीं करता, शरीर को सुशोभित रखना या कोमल रखना उसको बिल्कुल पसंद ही नहीं, लो पुरुष कह सकते हो आप शनि प्रधान व्यक्ति को, लोखंडी शरीर, स्नायुबद्ध शरीर, मजबूत शरीर, ईट पत्थर जैसा, उससे माथा फोड़ना, उससे ही काम ज्यादा लेना, बोझा ढोना, ये मेहनत मेहनती है, लोहा मजदूर मजदूरी, ये सारा लोहा लेना, पंगा लेना, मजबूती से पंगा लेना। उसके बाद आता है मलिन, मलिन वस्त्र, वो कोई आपको एकदम स्वच्छ या उसमें आपको कभी नहीं मिलेगा, सोबर या सेंट वेंट छांट के या बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहन के घूम रहा है शनि, नहीं, वो शनि का जातक नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, उसके बाद भूगर्भ पैदाश, एक बहुत बड़ी बात है कि पृथ्वी में जो भी खनिज द्रव्य है, जो जमीन के नीचे पेटाड़ में दबी हुई है, सारा क्रूड ऑयल जिसको हम काला सोना बोलते हैं, अब्रक धातु, लोहा, कच्चा लोहा, क्योंकि अंदर जो जमीन में रत्न और सुवर्ण है ना, वो शनि के पास, शनि के हाथ में नहीं, लेकिन जो लोहा निकलता है वो शनि के हाथ में, जो पेट्रोलियम पैदाश है वो सारी शनि की, अब्रक, अब्रक का उपयोग दवाई में होता है, अब्रक को आप पहन नहीं सकते हो, सोना चांदी जवेरात हीरा सब पहन सकते हो, लेकिन अब्रक नहीं पहन सकते। तो ये जो पेट्रोलियम चीज है या जो कीमती है, अब्रक का पूरा उपयोग, जिंक ऑक्साइड, ये सारा उसका उपयोग दवाई में होता है, अच्छे होने के लिए होता है। उसके बाद है कोयला, कोयला भी शनि की पैदाश, कोयला ईंधन में काम आता है, जलने में काम आता है, वो तो अब इलेक्ट्रिसिटी ढूंढ ली, उससे पहले सारे इंजन वेंजिन जो गाड़ियां जो सब चलती थी, ट्रेन, कोयले से ही चलती, वो सब इंजन कोयले के ही लगते थे पहले। उसके बाद है पोलाद, खनिज, पेट्रोल, अब्रक, ये सारी जो पैदाश है जमीन के नीचे की, वो शनि के हाथ। फिर है कृष्ण वर्ण, काला वर्ण, मंद गति, इसकी गति मंद है, स्लो है, क्योंकि वो स्टेबल ज्यादा है, स्थिर है,
धीरज सहनशीलता, धीरज और सहनशीलता अगर जो, ये दोनों बहुत बड़े गुण है, बहुत बड़े आत्मा के गुण होते हैं। ये दो गुण की वजह से ही आप मध्यस्थी या आप वैरागी बन सकते हो। अगर आप में धीरज नहीं, आप में सहनशीलता नहीं, तो आप कभी भी वैरागी या स्थित प्रज्ञ नहीं बन सकते। तो ये आत्मा के गुण है जिसको हमें खिलाना है, खोलना है हमारा आत्मा के ऊपर से, जो बाकी की संज्ञाएं लगी है, जो कर्म के रूप में है, उन सबको हटाना है और ये दो गुणों को हमें उजागर करना है। गुण तो बहुत है पर ये दो महत्व के है। उसके बाद है न्यायप्रियता, ये भी गुण, सेवा, ये भी गुण, सेवक भाव। सेवा अगर पसंद है तो आप सेवक बनोगे ही बनोगे। अगर आपको सेवा करना अच्छा नहीं लगता तो आप कभी सेवक नहीं बन पाओगे। आप दूसरों से सेवा लोगे, आप लीडर बनोगे, आप मालिक बनोगे, लेकिन आप सेवक नहीं बन सकते। सेवक वही बन सकता है जिसको खुद को दूसरों की सेवा करना, परोपकार, जन कल्याण करना अच्छा लगता है। तो ये परोपकार, जन कल्याण जैसे गुण, जो आत्मा के गुण है, वो भी शनि के पास। उसके बाद आता है तटस्थ, स्थित प्रज्ञ, अध्यात्म, अध्यात्मवादी। ये सारे गुण है, एकांत प्रिय, एकांत, गुड़, रहस्यमय, ये भी गुण है। ये भी सारे आत्मा के गुण है जो खुलने से ही आपको परमात्मा या परमेश्वर तक पहुंचने का रास्ता मिलता जाता है। इसके लिए अष्टम हाउस का कारक शनि, क्योंकि आठवां स्थान गुड़ स्थान, आठवां स्थान मृत्यु के बाद कहां जाना है आपको, परमेश्वर या ये गुड़ ज्ञान को पाना, वो सारा आपको अष्टम स्थान से ही फल मिलेगा। अरण्यवासी और अरण्य, ये दो चीज शनि के कारक में। अरण्य का मतलब है गाढ़ जंगल, घना जंगल, जहां पे जंगल मतलब फॉरेस्ट या फार्म हाउस या घूमने की जगह या कहीं पे लाल बंगला या टूरिस्ट बंगला है, वो नहीं। ये अरण्य का अर्थ है घना जंगल, जहां पे जंगली जानवर रहते हैं और वहां पे वहां सांप भी रहे होगा, वहां पे आपको वाघ सिंह भी मिलेंगे, वहां पे आपको अजगर भी मिलेंगे, और उन लोगों की उपस्थिति में ध्यान साधन करना, उनसे डरे बगैर, मौत से डरे बगैर। अगर मौत आ गई, किसी जानवर ने खा लिया तो क्या हो गया, आपको जीने की चिंता नहीं। ये सोच के ऐसे अरण्य में जाके अरण्यवासी बनना, कंदमूल खाना, ऐसे होते जो योगी पहले ऐसे ही होते थे। आज भी आपको मिलेंगे हिमालय की कंदराओं में घूमते हुए, ऐसे बहुत से योगी मिले। उनको कभी भी कोई भी जानवर आकर उनको मार सकता है, लेकिन आप अगर शनि प्रिय हो, आप अगर अध्यात्म प्रिय हो, आपके कर्म ही इतने शुभ बन चुके हैं, तो जो आपकी ऑरा में आ गया, हमारी ऑरा इतनी मजबूत हो जाती है कि ऐसे जानवर आपके सामने आके भी चुपचाप चले जाते, आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे अगर आपकी ऑरा ऐसी शुभ होती जा रही है तो। क्योंकि शुभ ऑरा में वो जंगली जानवर नहीं आएंगे, उनकी सोच तमस है, और आपकी ऑरा सत्वशाली हो चुकी है, तो आपके सत्व के पास वो तमस वाला जानवर खड़ा ही नहीं हो पाए। इतना बढ़िया आपका फल हो जाएगा। तो आपको अरण्य में भी किसी भी जानवर से मृत्यु का कारण आप नहीं बन पाओगे। उसके बाद है रहस्यमय, गूढ़ ज्ञान, वो तो हो गया। बंधन, जेल, बंधन, जेलवास, बंधन, जो आयुष्य है वो भी बंधन। एक शरीर में 100 साल तक बंद जाना, आपको अध्यात्म पता चल गया, आपको वहां जाने का रास्ता पता चल गया, 20-25 साल में पता चल गया, लेकिन 100 साल तक जीना है तो वो 75 साल आपके लिए बंधन हो गया। लेकिन जो समझ गया ना अध्यात्म, वो तो उसको बंधन भी नहीं मानता, वो एकांत में रहना पसंद करेगा, कुछ समय के लिए लोगों के सामने आना पसंद करेगा, ये रास्ता बताता जाएगा, जिसको आप व्याख्यान कह सकते हो, जिसको आप पाठ कह सकते हो, जिसको आप वैरागी प्रवचन कह सकते हो, वो प्रवचन भी देगा, वो समझाएगा लोगों को कि परमात्मा का रास्ता क्या होता है और उस रास्ते पर आप कैसे पहुंच सकते हो। ये सारे वैरागी सूचक व्याख्यान हो गए, रास्ता हो गया, ठीक है। तो ये सबको आप बंधन कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जेलवास भी एक बंधन है। अगर इससे विपरीत हो, आप अशुभ कर्मों को भोग रहे हो, आप अशुभ कर्मों का भोग बने हुए हो, और आपको अशुभ कर्म की वजह से शरीर में रोग आ गए और आपको जीना हो रहा है,
ऐसा मैं समझती हूँ कि अगर आपको पैरालिटिक आप हो गए और अभी भी आपको 30 साल जीना बाकी है आयुष्य, तो आपके लिए ये बहुत बड़ा बंधन है, क्योंकि रोगी शरीर है, आप पथारी से, आप बेड से हिल डुल भी नहीं सकते हो, ना खुद उठ सकते हो, ना खुद खाना खा सकते हो, कुछ नहीं। और ऐसे में 30 साल तक जीना, जिंदा रहना, ये बंधन है, आयुष्य का बंधन। अशुभ कर्म का उदय है, अशुभ कर्म का भुगतना है, कि जो भुगतते भुगतते आप 30 साल तक पथारी में, टॉयलेट बाथरूम सब पथारी में, ना कोई भोग, ना आनंद, ना सुख, ना कुछ, जबरदस्ती आप वही 30 साल निकालो, रोते रोते निकालो, अशुभ तरीके से निकालो। दूसरा जेल में, दूसरा तरीका है जेल में उम्र कैद की सजा भुगतना, आपकी आयु लंबी, आप बिल्कुल स्वस्थ शरीर, आराम से सुख भोग सको, आनंद, प्रमोद, पत्नी, वैभव, ऐश्वर्य या फिर मैथुन, सारी चीज आप आराम से भोग सको, और आप जेल में बैठे हुए 40 साल पीछे की उम्र में आप जेल में निकालनी है आपको, उम्र कैद की सजा, जब तक जियोगे तब तक आप जेल में हो, आप कोई सुख नहीं भोग सकते, तो वो दिन आप कैसे निकालोगे? आप में कोई वैराग्य भाव नहीं आया है, अभी भी भोग भाव या भोग करने की इच्छा है, तो ये समय कैसे जाएगा? रोके ही जाएगा या फिर कोस के जाएगा, जात को कोसोगे, किसी और को कोसोगे? भोग की इच्छा करते करते जबरदस्ती आप जेल में निकालोगे, तो ऐसे बंधन शनि ही देता है, और कोई ग्रह ये बंधन नहीं दे सकता। और उसके बाद है षड्यंत्र। षड्यंत्र का मतलब ये हो गया कि आप जिंदा रहना चाहते हो, आप सुख भोगना चाहते हो, लेकिन आपके शत्रु इतने सारे खड़े हैं आपके आसपास कि आपको ये सारा मारने की कोशिश में लगे जाए, आपके पीछे लोग लग जाए, आपके पीछे षड्यंत्र होते जाए, और आप शांति से जी भी ना पाओ। इसको भी एक प्रकार का बंधन कहा गया। किसी का मर्डर हम देखते हैं तो वो षड्यंत्र का भोग है। इंदिरा गांधी का मर्डर, गांधी जी का मर्डर, ये सारे षड्यंत्र के भोग बने। हो सकता था कि ये समय ना आया होता, इनका मर्डर नहीं हुआ होता, तो पता नहीं और कितने साल तक वो जिंदा रहते। इंदिरा गांधी वड़ाप्रधान का सुख भोगती अगर वो जिंदा रहती तो। इसी प्रकार से रोग से भी मुक्ति, जैसे विनोबा हम कह सकते हैं ना उनको, विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, इनको कैंसर हुआ, वो छोटी उम्र में ही चले गए, 30-35 साल की उम्र में स्वामी विवेकानंद चले गए। आज इनके सिद्धांत के ऊपर तो पूरा बीजेपी ने अपना पूरा इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है, गुणों के ऊपर, उतने वो गुणों के धनी थे। तो उनको ये रोग का बंधन मिला कि जिसकी वजह से उनकी आयु खत्म। तो इस प्रकार से हम शनि को, हमने कारकत्व को समझ लिया। अब हम ये राष्ट्रीय ज्योतिष में आएंगे, आपको बृहद जातक के हिसाब से शनि ने क्या क्या कारकत्व दिया है या शनि का कहाँ कहाँ प्रभाव है, वो सारा हमारा हो चुका है। अब आप इसमें आओ, पेज नंबर जिनके पास है वो ये पेज नंबर निकालो जिसमें शनि लिखा हुआ है, पेज नंबर है 7। अब हम राष्ट्र ज्योतिष के हिसाब से राष्ट्र के ऊपर शनि का क्या क्या प्रभुत्व है या क्या क्या फल मिल रहा है उसको हम देखेंगे। ऐसे 10:30 हो चुके हैं, मुझे लग रहा है कि ये राष्ट्र ज्योतिष के हिसाब से हम अगले क्लास में करेंगे, क्योंकि वो खत्म तो होगा ही नहीं। शनि को समझना, उसके फायदे को जानना, और ये सारी चीज हम अगले क्लास में ही करेंगे। आपका 1 घंटा हो गया है, और 15 मिनट अगर मैं गई ना तो भी राष्ट्र ज्योतिष अधूरा रहेगा, ठीक है? तो हम जब भी अगले क्लास में, जैसे भी मुझे किस हिसाब से कन्वीनियंट होगा, मैं आपको ये बता दूंगी कि राष्ट्र ज्योतिष के हिसाब से शनि का फलादेश, और मेडिकल के हिसाब से अगर कंप्लीट हो गया नेक्स्ट क्लास में भी, तो हम जरूर उस हिसाब से करें, ठीक है? हरिओम।